हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माही गार्डन। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक लेमन का प्लांट दिखाती हूँ। ये मैंने जनवरी में इसकी शीट ग्रो करे थे, तो ये अब इसका रिज़ल्ट है आया है। देखिए फ्रेंड्स, ये भी इसको 4 और 5 मंथ हो गया है। और ये देखिए, ये काफ़ी अच्छा हेल्दी प्लांट हो रहा है। और आप लोग भी एक बार लेमन ट्री को ज़रूर ट्राई कीजिए। और ये बहुत अच्छा वो लगता है गार्डन में। और एक चीज़ और भी है फ्रेंड्स, आप लोग कभी भी गार्डनिंग में एक बार ग्रो कुछ करते हैं तो फिर वो नहीं ग्रो होता है, शीट नहीं आते हैं, तो फिर आप ग्रो नहीं करते, तो फिर आप लोग उसको करना छोड़ देते हैं। तो कुछ ना कुछ करते रहिए। और ये इसकी सॉइल भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें बिल्कुल नॉर्मल गार्डन सॉइल है, और कंपोज मैं जो घर पे बनाती हूँ वही कंपोज डालती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, तो आप लोग भी कोई भी शीड आप लोग ज़रूर अपने गार्डन में, चिली है, लेमन का है, और मेरे पास तो एक जामुन का भी ट्री एक है प्लांट, मैं उस पर कभी वीडियो बनाऊँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक पॉट में, ये 12 इंच का पॉट है। इसमें देखिए फ्रेंड्स, ये इसमें कनेर का भी पेड़ है, एक प्लांट है, और एक मनी प्लांट भी है। और ये देखिए फ्रेंड्स, तो आप लोग भी एक बार ट्राई इसको कीजिए। और इसमें इसकी खास इतना इसकी केयर की भी वो नहीं है। और इसमें हो सकता है ये बड़े पॉट में लगे, तो मुझे तो पता नहीं है कि इसमें पता नहीं फ्रूट्स भी लगेंगे या नहीं अभी तो। लेकिन इसमें लगता है अगर बड़े पॉट में लगाऊंगी तो शायद इसमें लेमन आए भी। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी कुछ ना कुछ गार्डनिंग में ट्राई करते रहिए, हमेशा आपको कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। और कुछ ना कुछ तो ज़रूर ग्रो हो ही जाएगा। कई लोग मैंने देखा है कि जब गार्डनिंग स्टार्ट करते हैं तो बहुत सी चीज़ें लगा देते हैं, बहुत से प्लांट ग्रो करते हैं, अगर नहीं होता फिर वो लोग छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ हार्डी प्लांट हैं जिनकी, जो मैं अभी आपको धीरे धीरे बताते रहूँगी कि कौन कौन से हैं जिनको आप एक बार ग्रो करोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, वो सूखेंगे भी नहीं। बस थोड़ी सी फ्रेंड्स वाटर का ध्यान रखना पड़ता है। कई लोग बहुत ज़्यादा वाटर भी कई बार डाल देते तो उससे भी प्लांट ख़राब हो जाते हैं। तो क्योंकि मेरे साथ भी ये हुआ है फ्रेंड्स। और आप लोग एक बार ये ट्री को जोर लगाइए। थैंक यू।